नमस्कार दोस्तों, मौसम ताजा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय मौसम चैनल, जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है। इस समय देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और जमकर बारिश करा रहा है। दोस्तों कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यानी कि दोस्तों बता दें कि जो पुराने से पुरानी नदी और नाले हैं वो भी दोस्तों उफान पर चल रहे हैं। हर जगह पानी ही पानी हुआ पड़ा है, पहाड़ी राज्यों में जमकर तबाही हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर दोस्तों कई मार्गों को बंद भी किया गया है। साथियों आपको बता दें कि इससे पहले बद्रीनाथ हाईवे को भारी बारिश के कारण बंद किया गया था। तो दोस्तों पंजाब अंबाला और जालंधर हाईवे को भी पंजाब में भारी बारिश के कारण बंद कर दिया गया है। पंजाब में भारी बारिश की वजह से कई इमारतें गिर गई हैं। मूसलाधार बारिश ने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा दी है। कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ से जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालात इतने खराब है कि पंजाब में सेना को बचाव कार्य में लगाना पड़ा है। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है। ब्यास, सतलुज समेत राज्य की समस्त नदियां भीषण उफान पर चल रही है। कितने ही मकान, वाहन, पुल और सड़कें नदी में समा चुके हैं, तो हर तरफ बर्बादी का नजारा है। पिछले 36 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 14 बड़े भूस्खलन और 13 अचानक बाढ़ की सूचना मिली है, जबकि 700 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई है। यही हाल उत्तराखंड का है, जहाँ पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से सड़कें खत्म हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बीते वीकेंड में सिर्फ एक दिन में एक महीने की बारिश देखी गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से और दोस्तों वर्तमान मानसून सीजन में दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में औसत से क्रमशः 115%, 100% और 70% अधिक वर्षा हुई है। दिल्ली में साथियों बता दें 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दोस्तों उत्तर भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में और भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों बता दें कि ये सोचना भारी भूल है कि पहाड़ों की आफत वाली बरसात से मैदानी वालों इलाकों का क्या होगा। एक्सट्रीम मौसम का असर सब पर पड़ता है। यूपी बिहार वाले जबरदस्त गर्मी झेल चुके हैं, वर्तमान में भारी बारिश से व्यापक जलभराव भी झेल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ है, सब्जियों के दाम सभी को प्रभावित कर रहे हैं। हिमाचल से आने वाला टमाटर बर्बाद हो चुका है, सो दाम अब पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति की बर्बादी को हल्के में लेने वाले अब चेत जाएं और सावधान हो जाएं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।